दोस्तों नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला और आज हम बात करेंगे बीमा की, विशेष रूप से आपदा बीमा की। बीमा, जैसा कि आप और हम समझते हैं, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके अंतर्गत कोई एक संस्था एक परस्पर सहमत धनराशि के भुगतान के सापेक्ष एक निश्चित अवधि के लिए पहले से चिन्हित घटनाओं या स्थितियों के द्वारा होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति पहले से सहमत शर्तों के अनुसार करने का उत्तरदायित्व लेती है। तो बीमा में विशेष रूप से चार चीजें हुई। सबसे पहले घटनाएं जिनके सापेक्ष प्रतिपूर्ति की जानी है, दूसरी अवधि जिसके लिए ये मान्य है, तीसरी परस्पर सहमत धनराशि और चौथा शर्तें जिनके अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जाएगी। अगर विधि रूप से देखें, लीगल टर्म्स में देखें, तो बीमा और कुछ नहीं, बस दो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है। जैसा कि हर किसी अनुबंध में होता है, बीमा में भी तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले एक प्रस्ताव जो बीमा कंपनी हमें देती है, दूसरा उस प्रस्ताव की स्वीकृति जो हम देते हैं, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो है कंसिडरेशन, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं या जिस धनराशि का हम भुगतान करते हैं। अतः बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तों को, जो विधि शर्तें हैं, उनको पूरा करता है। बीमा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। वैसे देखा जाए तो हमारे देश में बीमा को सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। मैं हूँ या आप, हम अपने स्वास्थ्य का या जीवन का बीमा करवाते ही हैं। विधि रूप से कंपल्सरी होने के कारण हम लोग, हमारा वाहन निजी हो या व्यवसायिक, उसका भी बीमा करवाते हैं। समय बीतने के साथ लोगों ने अपनी परिसंपत्तियों का, अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने व्यवसाय का बीमा करवाना भी शुरू कर दिया है। शायद आपने भी अपने घर का बीमा करवाया हो, पर ज्यादातर स्थितियों में ये बीमा आग और चोरी के लिए ही होता है। इसका आपदा से हुई क्षति से कोई लेना देना नहीं होता है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने बीमा की पॉलिसी दोबारा से जांच कर सकते हैं। शायद आपने भी जो बीमा करवाया है वो आग और चोरी के लिए ही हो सकता है लोगों को लगता हो कि आपदा का बीमा अनावश्यक है या बहुत महंगा है, परंतु ऐसा है नहीं। अगर आप अपने घर का 1 करोड़ रुपए का बीमा कराएं और घर के अंदर जो आपकी परिसंपत्तियां हैं उसका 14-15 लाख का, तो आपको जो वार्षिक प्रीमियम देय होगा वो 3100-3200 रुपया होगा। 3200 रुपया में आपको एक साल के लिए आपदा से होने वाली क्षति के प्रति आश्वस्त रहेंगे कि आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु हमारी मानसिकता ऐसी है, हमें लगता है शायद कि आपदा से जो भी क्षति होगी उसकी प्रतिपूर्ति सरकार का उत्तरदायित्व है। पर हमारे लिए क्या ये जानना जरूरी नहीं कि सरकार प्रतिपूर्ति या मुआवजा नहीं दे रही है? सरकार हमें केवल राहत देती है तात्कालिक गुजर बसर के लिए, और उसका वास्तविक क्षति से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका घर हो सकता है 50-60 लाख का हो और सरकार आपको जो राहत देगी वो हो सकता है 1,30,000 रुपया ही हो। ऐसे में उस समय आपको असंतोष हो सकता है, आपको रोष हो सकता है, परंतु आपके लिए अभी से ये समझना जरूरी है कि प्रतिपूर्ति सरकार ना हमारे देश में ना किसी देश में ना करती है और ना ही कर सकती है। आपदा से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति तो बीमा कंपनी ही कर सकती है। ऐसे में अगर देखें तो हमारे देश में केवल 2-3% परिसंपत्तियां ही बीमित है। इसके सापेक्ष अगर विकसित देशों में देखें तो वहां ज्यादातर परिसंपत्तियां बीमा है। आपदा से जो भी क्षति होती है उसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनियां ही करती हैं। इसके दो पक्ष हैं। पहला यह कि आपदा से होने वाली क्षति के कारण सरकार पर या फिर सरकारी खजाने पर या पब्लिक एक्सचेकर पर दबाव नहीं पड़ता है। दूसरा ये कि आपदा से हुई क्षति की तत्काल प्रतिपूर्ति हो जाने के कारण पुनर्प्राप्ति की गति काफी तेज होती है, रिकवरी बहुत जल्द हो जाती है। विकसित देशों द्वारा उपयोग में लाई जा रही रणनीति का उदाहरण देते हुए, कई मंचों पर, वो सेमिनार में हो सकता है, वर्कशॉप में हो सकता है, परस्पर जो विचार मंथन होता है उसमें हो सकता है, प्रायः आपदा से होने वाली क्षति के लिए बीमा की वकालत की जाती है
और जैसा कि आप और हम जानते हैं, हमारे यहाँ हमारे देश में संसाधनों का बंटवारा जो है वो वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पे होता है। तो विगत में जब भी वित्त आयोग के द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है तो विशेष रूप से गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा बीमा विकल्पों को चुनने की वकालत की गई है, परंतु आज तक 15वें वित्त आयोग तक किसी के भी द्वारा वर्तमान में जो स्थापित व्यवस्था है उसके सापेक्ष बीमा को चुनने का विकल्प पर सहमति प्रदान नहीं की गई। अब ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा बीमा नहीं करवाया जाता। आज सरकार के द्वारा विशेष रूप से गरीब वर्ग के लिए और किसानों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और उसके साथ ही कृषि बीमा योजना है वो चलाई जा रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विशेष रूप से किसानों के लिए यशस्विनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में कुछ 700 रुपया और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं 300 रुपया सालाना प्रीमियम है। और विगत 12-13 सालों में इस योजना के अंतर्गत 12 लाख से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्साएं करवाई हैं, उसका लाभ लिया है। और इसमें से 1.3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने हार्ट संबंधित जो एलिमेंट्स हैं, हृदय से संबंधित शल्य चिकित्साएं हैं वो करवाई हैं। इसके साथ ही 12वें वित्त आयोग के द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की गई थी कि किसानों को दी जाने वाली जो कृषि बीमा योजनाएं हैं उनका विशेष रूप से आपदा की स्थिति में किसानों को लाभ पहुंचता है, और उसके द्वारा संस्तुति भी की गई कि इन योजनाओं को सुदृढ़ किया जाए। ऐसे में मित्रों, आपदा के लिए बीमा विकल्पों का चयन करना या बीमा विकल्पों पर सहमति व्यक्त न करने का जो निर्णय है वो गले से नीचे नहीं उतरता है। समझ नहीं आता कि क्यों जब आप कृषि बीमा करवा सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा करवा सकते हैं, तो आपदा का बीमा करवाने में आखिर अड़चन क्या है। इन स्थितियों में जरूरी हो जाता है कि हम विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा क्या टिप्पणी की गई, किस प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए, उन पर चर्चा करें और आज देखें कि हमारे पास आखिर विकल्प है क्या। पहली बार केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले राष्ट्रीय बीमा कोष की अवधारणा पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 9वें वित्त आयोग से अनुरोध किया गया। आयोग ने सभी हितधारकों के साथ, बीमा कंपनियों के साथ, विषय विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर गहन चर्चा की कि एक ऐसा कोष जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार को अपनी राजस्व प्राप्तियों का एक निश्चित प्रतिशत देना हो, उस पर विचार किया, उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया और ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार का बीमा करवाना नहीं व्यावहारिक है और नहीं संभव। 9वें वित्त आयोग का मानना था कि किसी बाहरी संस्था के द्वारा किया जाने वाला क्षति आकलन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी और जटिल होगी, और इससे जो हमारी तात्कालिक राहत देने की सरकार की नीति है, सरकार की परिकल्पना है, वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। 9वें वित्त आयोग ने ये भी माना कि जिस प्रकार आपदाओं की बारंबारता और तीक्ष्णता है और उससे उत्पन्न होने वाली जो जटिलताएं और समस्याएं हैं उसका निवारण कर पाना, उसका समाधान कर पाना सरकार के अलावा किसी और के लिए संभव नहीं है। साथ ही 9वें वित्त आयोग ने ये टिप्पणी भी की कि बीमा लंबी आवृत्ति वाले और तीक्ष्ण मैग्नीट्यूड, तीक्ष्ण परिमाण वाली जो आपदाएं हैं उनके लिए तो व्यवहारिक है, जैसे भूकंप है, लंबी अवधि के बाद आता है और उसके होने वाला नुकसान काफी अधिक होता है, उनके लिए तो 9वें वित्त आयोग ने कहा कि ऐसी आपदाओं के लिए तो बीमा एक व्यावहारिक विकल्प है, परंतु बारंबारता में और छोटी छोटी होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे हर साल बाढ़ के कारण नुकसान होता है, हर साल भूस्खलन के कारण नुकसान होता है, इस प्रकार की कम फ्रीक्वेंसी वाली और कम नुकसान वाली जो घटनाएं हैं उसके लिए 9वें वित्त आयोग के द्वारा बीमा को व्यावहारिक विकल्प नहीं माना गया। बीमा की जो अवधारणा है उसको 11वें वित्त आयोग के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया। 11वें वित्त आयोग का स्पष्ट मत था कि सरकार के द्वारा संपूर्ण प्रीमियम दिए जाने की स्थिति में आपदाओं का जो बोझ सरकारी खजाने पे पड़ रहा है उस पर किसी भी प्रकार का कमी नहीं आएगी, वो वैसा ही बना रहेगा।
अतः उसके द्वारा बीमा की अवधारणा को एक सिरे से नकार दिया गया। 12वें वित्त आयोग का स्पष्ट मत था कि जो कृषि बीमा योजनाएं हैं उससे व्यक्तिगत किसानों को फायदा होता है, अतः उसके द्वारा सरकार से इन योजनाओं के सशक्तिकरण की सिफारिश की गई, परामर्श दिया गया। परंतु जहां तक आपदा बीमा का सवाल है, 9वें और 11वें वित्त आयोग की तरह 12वें वित्त आयोग का भी मत था कि पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित होने वाले बीमा से सरकार पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, अत्यधिक बोझ आएगा और साथ ही इससे जो आपदा प्रभावित है उनको कोई विशेष फायदा नहीं पहुंचेगा। अतः 12वें वित्त आयोग के द्वारा सरकार को परामर्श दिया गया कि निजी क्षेत्र में बीमा को प्रोत्साहित किया जाए। 12वें वित्त आयोग के द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बीमा और जो ऋण से संबंधित बीमा है, लोन लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनके सशक्तिकरण की वकालत की गई। उसके साथ ही 12वें वित्त आयोग के द्वारा माइक्रो फाइनेंस को वर्तमान समय की आवश्यकता बताया गया। उसके द्वारा वकालत की गई कि सूक्ष्म बीमा या माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से औपचारिक जैसे कि बीमा कंपनियां हैं और जो अनौपचारिक संस्थाएं हैं जैसे गैर सरकारी संस्थाएं हो सकती हैं, स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं, उनके माध्यम से लाभार्थियों को जो जोखिम है, आसन्न जोखिम है, उनके सापेक्ष उनके जीवन और परिसंपत्तियों का बीमा का लाभ दिया जाए। साथ ही 12वें वित्त आयोग के द्वारा टिप्पणी की गई कि बीमा की परिकल्पना अपनी शैशवावस्था में है, अभी परिपक्व हो रही है और जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है उसके द्वारा सूक्ष्म बीमा या माइक्रो फाइनेंस से संबंधित जो नियम हैं उनको अधिसूचित किया जा रहा है और उसके द्वारा संस्तुति की गई कि हमारे देश में जैसा कि है कि जो औपचारिक बीमा संस्थाएं हैं, औपचारिक बीमा देने वाली कंपनियां हैं, उनकी पहुंच सीमित है, अतः इस प्रक्रिया में जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी योगदान लेने की कोशिश की जाए। इस संदर्भ में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा 12वें वित्त आयोग को यह बताया गया कि अति तीक्ष्ण भूकंप की स्थिति में संभावित जो नुकसान होगा उससे बीमा कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भूकंप कोष की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है और इसके लिए एक विशेष कार्यदारी दल का गठन किया गया है। साथ ही प्राधिकरण के द्वारा ये भी बताया गया कि इस कोष के अंतर्गत जो बीमा कंपनियां हैं वो अंशदान देंगी और जो तीक्ष्ण भूकंप की स्थिति होगी या तीक्ष्ण आपदा की स्थिति होगी इस व्यवस्था से उन स्थितियों में जो प्रभावित समुदाय है उसको लाभ होगा, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। जो 12वां वित्त आयोग है उसके द्वारा ये अपेक्षा की गई कि भविष्य में जो प्रयास किए जा रहे हैं इनका लाभ एक अच्छी व्यवस्था के रूप में होगा और जो प्रभावित जन समुदाय है उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। 13वें वित्त आयोग के द्वारा स्पष्ट टिप्पणी की गई कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उनके द्वारा समय बीतने के साथ ज्यादा से ज्यादा परिसंपत्तियां बीमा की परिधि में आएंगी, बीमा का विस्तार होगा। परंतु उस समय जो परिस्थितियां थी उसके अनुरूप 13वें वित्त आयोग के द्वारा बीमा को जो चल रही व्यवस्था थी उसके विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। 13वें वित्त आयोग ने सबसे पहले तो ये माना कि बीमा से कई प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी, दूसरा ये कि आपदा से जो प्रायः प्रभावित होने वाला जन समुदाय है वो आपदा का जो बीमा है उसका प्रीमियम दे सकने की स्थिति में नहीं है, उसका बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, तीसरा ये कि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र से आपदा का जो बीमा है उसका प्रीमियम एकत्रित करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं होगा, चौथा आपदा का जो बीमा है उसका प्रीमियम एकत्रित करना या उसका प्रीमियम लेना काफी अलोकप्रिय होगा और किसी भी सरकार के लिए इस प्रकार की योजना को क्रियान्वित कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। पांचवा और अंतिम ये कि हमारे देश में आपदा उपरांत किए जाने वाले राहत बचाव कार्यों को, पुनर्निर्माण कार्यों को लोकहित में किए जाने वाले कार्यों के रूप में देखा जाता है, अतः इन स्थितियों में आपदा का बीमा लेना, आपदा का प्रीमियम लेना अत्यंत अलोकप्रिय होगा, स्वीकार्य नहीं हो पाएगा, इसे क्रियान्वित करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः 13वें वित्त आयोग के द्वारा बीमा को हमारे देश के लिए व्यावहारिक नहीं माना गया। 13वें वित्त आयोग ने स्पष्ट टिप्पणी की कि
कि बार बार घटित होने वाली कम आवृत्ति वाली और कम नुकसान वाली जो घटनाएं हैं उनके लिए बीमा से कहीं ज्यादा ये जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है राहत देने की, ये मितव्ययी होगी, इकोनॉमिक होगी। लंबी आवृत्ति में घटित होने वाली बड़ी मैग्नीट्यूड वाली बड़ी नुकसान करने वाली घटनाएं जैसे भूकंप है, उसके लिए जरूर 13वें वित्त आयोग ने बीमा को एक व्यावहारिक विकल्प माना। परंतु साथ ही ये टिप्पणी भी की कि बीमा की पहुंच आज हमारे देश में बहुत सीमित है, जिसके कारण इसको पूरे देश के लिए लागू कर पाना व्यावहारिक नहीं हो पाएगा। जहां तक 14वें और 15वें वित्त आयोग का सवाल है, उन दोनों के द्वारा बीमा संबंधित पक्षों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। वर्तमान तक जितने भी वित्त आयोग थे उनमें से किसी के भी द्वारा आपदा बीमा की संस्तुति नहीं की गई। अंत में आपदा बीमा के संबंध में ये बात समझना जरूरी है कि बीमा को एक लाभकारी निवेश बनाने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं। सबसे पहली ये कि किसी भी एक व्यक्ति या संस्था के ऊपर प्रीमियम का अत्यधिक बोझ ना पड़े। प्रीमियम सभी के द्वारा दिया जाए, बहुत बड़े वर्ग के द्वारा दिया जाए, व्यक्तियों के द्वारा दिया जाए, तब तो बीमा एक लाभकारी निवेश हो सकता है। दूसरा ये कि जो बीमित समुदाय है उसका भौगोलिक विस्तार इतना ज्यादा हो कि किसी भी एक वर्ग के प्रभावित होने की संभावना अत्यंत कम हो जाए। अगर ये दो चीजें हैं तो बीमा निश्चित ही एक लाभकारी निवेश हो सकता है। इन स्थितियों में अगर हम सरकार से सभी का बीमा करवाने की अपेक्षा करें तो ये निश्चित ही लाभकारी निवेश नहीं होगा, और ऐसे में वित्त आयोग द्वारा की गई जो संस्तुतियां हैं उसको सार्थक दृष्टिकोण से देखना की आवश्यकता है। और यहाँ सरकार और बीमा कंपनियों दोनों को ही केवल सरकार के माध्यम से किए जाने वाले आपदा बीमा के ऊपर माथापच्ची करने की अपेक्षा लोगों के सामने लाभकारी मितव्ययी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका विकास करने, उनको लोगों तक प्रचार प्रसार करने और उनको स्वीकार्य बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। जहां तक सरकार है उसके द्वारा आज के समय में जोखिम आकलन किए जा रहे हैं, रिस्क असेसमेंट किए जा रहे हैं, तो जो ये रिस्क असेसमेंट है उनको अलमारियों से बाहर ले जाकर लोगों तक ले जाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि उनके ऊपर किस तरह का जोखिम आसन्न है, ताकि वो प्रेरित हों अपनी परिसंपत्तियों का बीमा करवाने के लिए। फिर आज अपने वाहनों का बीमा तो आप भी करवा रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ, सभी करवा रहे हैं, और जो दुर्घटना के कारण नुकसान होता है वाहनों का वो निश्चित ही आपदा के कारण होने वाले नुकसान के समतुल्य ही होगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, परंतु इस सब का सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता क्योंकि इसका प्रीमियम लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा है। ऐसा ही आपदा का परिसंपत्तियों के बीमा के साथ भी हो सकता है यदि प्रीमियम लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया जाए। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी आपदाएं घटित हो सकती हैं और उनका जोखिम कितना है? क्या आपने अपने घर का बीमा करवाया है? क्या वो बीमा आपदा के लिए भी है? यदि नहीं तो जल्द ही अपने बीमा एजेंट से मिलिए और अपने घर का बीमा जरूर करवाइए। इससे आपके परिवार को, आपको आपदा से सुरक्षा मिलेगी, आप एक निश्चित प्रीमियम देकर आपदा से होने वाली क्षति को भूल पाएंगे, चैन की नींद ले पाएंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।